हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन डे एस 110 विच इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इस लेक्चर में मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन म्यूचुअल ओइंग्स इन बिटवीन होल्डिंग एंड ये सब्सिडियरी कंपनी। तो लेकिन स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 7। तो अभी के इस एग्जाम्पल में आपको डाटा मेंशन किया है, एक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड एज इन्वेस्टमेंट 15,000 शेयर ऑफ एस लिमिटेड 4,01,65,000 ऑन 1 जुलाई 2022। द बैलेंस शीट्स ऑफ द टू कंपनीज ऑन 31 मार्च 2023 आर एज फॉलोज। कुछ मीन्स आपको मेंशन किया है, तो पहले देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको क्या मेंशन की है। तो आपको करंट ईयर मेंशन किया है इसमें, जैसे कि 2022-2023। इसकी देखो टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। अब आपको मेंशन किया है एच ने एक्वायर किए 15,000 शेयर ऑफ एस एज ऑन 1 जुलाई, ये आपकी होगी डेट ऑफ एक्विजिशन। और एच ने देखो कितने शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के, जैसे कि 15,000। तो इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए बाकी एच शेयर इन सब्सिडरी कंपनी को। एस के बुक्स में देखो इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं टोटल 2,50,000 के ₹10, तो इसमें टोटल शेयर है 25,000। तो उससे एच का शेयर आ जाएगा इसमें, जिस कमिंग 60%, जिसे जो एच शेयर बैलेंस विद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जिसे जो 40%। सेकेंड फिर आपको चाहिए तो इस साल के बीच में आपने शेयर एक्वायर किए हैं तो बाकी के टाइम रेशो। तो प्री एक्विजिशन का जो पीरियड बन रहा है 3 मंथ्स है, पोस्ट एक्विजिशन 9 मंथ्स, जिसे कि 1:3, ये आपकी टाइम रेशो बन जाएंगे। तो उसका बेसिक पर्पज है, तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो हम टाइम रेशो में डिवाइड कर देंगे। फिर आपको देखो बैलेंस शीट में मेंशन किए हैं डिफरेंट आइटम्स हैं आपके पास, शेयर होल्डर फंड्स लिए हैं, डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं एस टी बुक्स में, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया है आपका, और अगर नॉन करंट एसेट्स हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो एस के पास देखो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसकी कॉस्ट दिया 165, एंड सब्सिडरी के पास इन्वेस्टमेंट हैं इन डिबेंचर ऑफ एच लिमिटेड, सब्सिडरी के पास ही डिबेंचर्स हैं एच कंपनी के, उसकी फेस वैल्यू है 25, ये हमने परचेज किए 24,000 के, कुछ नहीं इसको हम रिवैल्यू करेंगे। और करंट कैसेस आपको दे रखी हैं स्टॉक डेटर बी आर एंड कैश। फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं क्वेश्चन में, नंबर 1 जनरल रिजर्व आपको दिया है इट इज सेम एज वाज इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, प्रॉफिट कैरिंग बाय सब्सिडरी कंपनी फॉर द ईयर इज 20,000 रुपीज। ऑन 1 फरवरी एस ने कुछ गुड सेल किए हैं एच को कॉस्टिंग 8,410, ये आपकी म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो जाएगी, इसमें से 40% हमारी अनसोल्ड हैं। क्रेडिटर्स ऑफ एच इंक्लूड 4,000 को एस ऑन अकाउंट टू डील गुड्स, बट डेटर्स ऑफ एस इंक्लूड 5,000 फॉर दिस ट्रांजेक्शन, फिर म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है डेटर क्रेडिटर्स की। आउट ऑफ एस लिमिटेड एक्सेप्टेंस है, एस ने कुछ बिल्स पेबल इशू किए हैं 15,000 आर गोल्ड विच हैव बीन एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच, आउट ऑफ बिल एच हैज गोवर की 6,000 ऑफ बिल्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर एंड है डिस्काउंटेड बिल्स वर्थ ₹4,000 फ्रॉम इट्स बैंक, उसमें से एच ने कुछ बिल्स एंड गोवर कर लिए हैं, कुछ उसने डिस्काउंट कर लिए हैं। ऑन 1 जनवरी एच एच सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 को एस, फिर एच ने भी एक मशीनरी सेल की एस को 50,000 की, 40,000 की कॉस्ट थी, तो इट मीन किसी यार से एक प्रॉफिट, और इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 10% पर एनम, एंड मशीनरी इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑन 31 मार्च। फर्दर ऑन 1 मार्च एच एच सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 को एस फॉर 8,000, एच ने भी कुछ गुड्स सेल की एस को लोस के ऊपर, 60% हमारी अनसोल्ड हैं, बट नेट रिलाइजेबल इज मोर दैन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, पर उसकी जो फुल कॉस्ट है वो रिकवरेबल है, तो आपको लॉस एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर आपको दिया है एस लिमिटेड है नो के रिकॉर्डेड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एच लिमिटेड,
एनसीआई एक वैल्यू गैको प्रपोर्शनेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एग्रो गैको एक्विजिशन। तो ऐसे ने अपनी बुक्स में जो इंटरेस्ट ड्यू था डिवेंचर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और एनसीआई को वैल्यू करना है अपने प्रपोर्शनेट नेट एसेट्स एग्रो गैको एक्विजिशन, देन यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अब देखो एस की बुक्स में क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है जो डिवेंचर की इन्वेस्टमेंट है। तो लेके से तो सेकंड जब हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, उसके लिए देखिए आप बुक्स ऑफ एस में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है डिवेंचर में, उसकी एंट्री कर दीजिए इंटरेस्ट रिसीवेबल इस योर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, और ये इसकी इनकम मानी जाएगी। तो उसको आप ट्रैकिंग कर दो पी एन एल में, जिसे जो इंटरेस्ट इनकम तो आप देखिए कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा 25,000 के डिवेंचर्स हैं और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एस की बुक्स में है 12%, तो इट मीन्स 25,000 इनको 12%, सो दिस विल बी अवर इनकम, जिसे कमी 3,000 रुपीज। अब आप प्रिपेयर कीजिए पी एन एल अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी फॉर करंट ईयर, उससे देखो प्रॉफिट आ जाएगा। आपको मेंशन किया है पी एन एल का प्रॉफिट को आपको देखो मेंशन कर ही रखा है 20,000 हमने अर्न किया है और पी एन एल में देखो बैलेंस है आपका 25,000, इट मीन्स आपको ये मेंशन किया है बाय बीजी हमारा मिसिंग है, देन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ये आपको मेंशन किया है जो आपने अर्न किया है जिसे 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है वो बैलेंस ही 25, उससे आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 5,000। ये इंटरेस्ट अभी इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि अभी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की थी ऐसे ने अपनी बैलेंस शीट में, अब उसको भी पास कर दिया है तो वट विल बी नाउ टोटल करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी, अब ये बन जाएगा आपका 20,000 प्लस 3,000 23,000 जो इंटरेस्ट आपका ड्यू है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, तो थर्ड हम शो कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, ये हम शो कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। इसमें देखो पहले हम शो करेंगे इक्विटी सो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उसमें आपकी दो आइटम्स आ जाएंगी, नंबर वन शेयर कैपिटल एंड सेकेंड देखिए कैपिटल प्रॉफिट्स, then we have equity after acquisition which is also called revenue profits, amounts आपको चल रहे हैं रुपीज में। तो सबसे पहले देखिए आप शेयर कैपिटल दिया है हमें बैलेंस, फिर आपको मेंशन दिया है जनरल रिजर्व तो उसका बैलेंस सेम ही है इट वॉज इन द बिगनिंग, एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, फिर आते हैं आपका करंट ईयर प्रॉफिट। तो अभी के शेयर कैपिटल आपको मेंशन किया है 2,50,000, तो जनरल ईयर का बैलेंस आपके पास है 40,000, जन पी एन एल ओपनिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है 5,000, फिर करंट ईयर प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट है आपका 23, इसको डिवाइड करके टाइम रेशो में जिसे जो 23,000 टाइम रेशो है आपकी 1:3 इट मीन्स 4 से डिवाइड हो गया जिसे 23,000 डिवाइडेड बाई 4,5,750 सो इनटू 3 जैसे कि 17,250 ये आपका बन जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो टेक दिस टोटल 250 जैसे कि 50,000 17,250 नाउ वी गेट टोटल इक्विटी एज ऑन गेको एक्विजिशन जैसे 250 प्लस दिस जैसे कि 300,750, उसको अगर पोर्शन कर रखे हैं वकील जो एच शेयर, तो एच शेयर है देखिए आपका 60% एंड वकील वैल्यू ऑफ एनसीआई, तो एनसीआई को देखो आपने वैल्यू करना है एट प्रपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड, ये हमारी नेट एसेट्स आ गई हैं एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इतने से एनसीआई आ जाएगा एट प्रपोर्शनेट नेट एसेट्स विच इज 40% एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो किसी 300 इंटू 750 इंटू 60% 184,50, तो बैलेंस है जो 120,300, देन वी हैव रेवेन्यू प्रॉफिट्स तो इनको भी आप अपॉर्शन कर लीजिए 17,250 इंटू 60%
सो 10,000 इज 350, बैलेंस इज 69,000। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनसीआई। एनसीआई की देखो ये वैल्यू आ गई है 123,000। अब आपको चेक करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जिसे जबर फोर्थ किसी फोर्थ वर्किंग नोट गुडविल और कैपिटल रिजर्व किसी आंसू का जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके लिए देखिए पहले वट आर नेट एजेंटी पेबल एसेट्स कितनी है ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन किसी 370, इसको कंपेयर करेंगे फिर हम वट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी आंसू का जो कंसिडरेशन पेड बाय होल्डिंग कंपनी टू एक्वायर शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस वैल्यू ऑफ एनसीआई। तो दिस अमाउंट इज कमिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो एच डी बैलेंस शीट में दिए है आपको 165 हो गए प्लस एन सी आई की वैल्यू है आपकी 123,000 जैसे जो प्रपोर्शनेट एसेट से बेसिस टोटल 165 हो गए प्लस 123,000 285,300। तो अब देखेंगे नेट एसेट्स आर मोर सो डिफरेंस आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व सो माइनस 300 750 15,450 ये जो हमारे कैप्चर किया। तो नेक्स्ट देखते हैं आपकी म्यूचुअल ओइंग की ट्रांजेक्शन से, और एक जो रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर है इसको हम यहाँ वर्किंग नोट में मेंशन कर लेते हैं शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। सो वट इज द शेयर ऑफ एच एंड एन सी आई, तो देखो एच का शेयर है 10,350 और एन सी आई का शेयर है 69। नेक्स्ट लेटे सब म्यूचुअल ओइंग ट्रांजेक्शन से, जैसे सबसे पहले आपको मेंशन किया है ऑन 1 February एस सोल्ड गुड्स टू एच कॉस्टिंग 8,000 फॉर 10,000 40% को गिव गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद एच कंपनी ऑन 31 March। तो किसी की अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन तो उसमें जो गुड्स अनसोल्ड हैं उसमें आपको अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम पास करते हैं लेटर से राइट 5th जिसे ये जर्नल एंट्रीज तो इन बुक्स ऑफ एच कंपनी किसी फॉर कंसोलिडेशन पर्पज। तो पहली ट्रांजेक्शन ले रहे हैं इसमें जो आपकी अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, तो एस ने गुड्स सेल की है उसकी आपको सी पी की है आपको, सो कॉस्ट प्राइस इज 8,000 और एस को हमने सेल की है सेल प्राइस 10,000। तो इट मीन्स इसमें एस ने प्रॉफिट चार किया है 2,000 का ऑन टोटल वैल्यू है 10,000। अब इसमें से कुछ अनसोल्ड स्टॉक है एच के पास, सो एच है जो अनसोल्ड स्टॉक, तो किसी जो गिवन को भी 40% को गिव गुड्स रिमेन अनसोल्ड 40% कर दीजिए 4,000, उसमें कैलकुलेट कीजिए फिर आप वट इज अनरिलाइज्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है आपको इस कैन के ऊपर प्रॉफिट है 2,000 का, सो 2,000 प्रॉफिट ऑन 10,000, सो वट विल बी प्रॉफिट इन 4,000 जैसे 1/5 800। अब जो भी प्रॉफिट जो है इसमें सब्सिडरी ने रन किया है जैसे कि प्रॉफिट बेग बैंक सब्सिडरी, तो ये डिवाइड हो जाएगा एच में और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, तो एच का शेयर है जो को 60%, नॉन कंट्रोलिंग का है 40%, तो उसकी एंट्री बन जाएगी। जो एच का शेयर है वो पी एन एल में डेबिट हो जाएगा, एन सी आई का शेयर एन सी आई में टू स्टॉक रिजर्व, सो स्टॉक रिजर्व 800। 60% एच का शेयर है 480, 40% 320, ये अपना एन सी आई में से माइनस हो जाएगा और ये कंसोलिडेटेड पी एन एल में से। तो नेक्स्ट देखो आपको जजमेंट दी है, ये है आपका 4th point क्रेडिटर्स ऑफ एच इंक्लूड 4,000 ड्यू टू एस ऑन अकाउंट टू डील गुड्स, बट डेटर्स ऑफ एस इंक्लूड 5,000। क्रेडिटर्स शो कर रहे हैं 4, डेटर शो कर रहे हैं 5, इसमें जो क्रेडिटर ने पेमेंट कर दी है 5,000 की विच कैश इन ट्रांजिट, तो उसको आप एलिमिनेट कीजिए। क्रेडिटर्स ये हैं एच कंपनी के कैश इन ट्रांजिट टू डेटर्स किसी ऑफ एस कंपनी, तो डेटर्स का जो अमाउंट है 5,000, क्रेडिटर्स है आपके 4,000, 1,000 आ जाएगा आपका कैश इन ट्रांजिट। फिर आपके पास है 5th एडजस्टमेंट आउट ऑफ एस लिमिटेड एक्सेप्टेंस है जो, तो एस ने बिल्स इशू किए हैं 15,000 आर गोज विच हैव बिन एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, वो बिल रिसीवेबल हैं एच के पास, पर उसमें से कुछ बिल्स जो हैं एच हैज एंडोर्ड 6,000 ऑफ बिल्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर एंड हैज डिस्काउंटेड बिल्स 4,000 फ्रॉम इस बैंक,
सिक्स के इग्नोर कर गए, चार के हमने डिस्काउंट कर लिए, 10 हज़ार हमारे निकल गए, को कॉमन कितने रह गए, उसके बाद बिल्स रह गए 5 हज़ार। तो बिल्स में था जो कॉमन है वो आपको एलिमिनेट करनी है, तो नंबर सी एडजस्टमेंट, ये बन जाएंगे बिल्स पेबल, ये हैं एस के को बिल रिसीवेबल, ये हैं एस की बुक्स में, वे जो कॉमन अमाउंट है आपका 5 हो गए। फिर आपको मेंशन की है सिक्स एडजस्टमेंट की है, ऑन 1 जनवरी को एक्ने सेल की मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 को एस फॉर 50,000, बट जब मशीनरी के सब्जेक्ट को डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एन एम जब मशीनरी की इंक्लूडिंग इन बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, ये सेल ऑफ एसेट है बाय होल्डिंग की सब्सिडियरी, ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, लेकिन से नंबर बी। अब आपको ये दिया कि एक्ने एक मशीनरी सेल की है सब्सिडियरी को, इसकी जो सी पी है वो है 40,000 और हमने सेल किया एस पी 50,000 की, और इसकी जो डेट है वो है जनवरी 1। तो आपकी सोलह की बैलेंस शीट बन रही है 21 मार्च को। अब एस ने ये परचेज करी है मशीनरी, ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी टू एस, इसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 3 महीने की, माइनस है डेप्रिसिएशन एट द रेट टू 10% पर एनम, 10% बन गई 5,000, 3 मंथ्स की बन गई 1,250, तो ये इसकी डब्ल्यू डी बी आ गई आपकी एज ऑन 31 मार्च जो हमारी बैलेंस शीट में है। तो जैसे जो 50,000 जो माइनस 1,250 है जो 48,750। अब इसमें देखो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है आपका इस एसेट में, अनरियलाइज जो प्रॉफिट एक्ने प्रॉफिट चार किया 50 माइनस 40 10,000 का ऑन जिस सेल वैल्यू 50, तो 10,000 का प्रॉफिट है हमारा 50,000 के ऊपर, तो जो अनसोल्ड वैल्यू है 47,750 उसमें आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 5,159,750। तो इस प्रॉफिट को हम एलिमिनेट करेंगे, तो उसमें से आपने एंट्री कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ये एच टी बुक्स में चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी की वैल्यू में से ये माइनस हो जाएगा, जैसे कि 9,750। नेक्स्ट आपको एक और एडजस्टमेंट दी है नंबर 7 को, ऑन 1 मार्च एच है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 को एस फॉर 8,000, तो एक और सेल किया एच ने, एच ने गुड्स भी सेल किए हैं एस को, तो इसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000 और सेल प्राइस है हमारी 8,000। अब ये लॉस में सेल हो रही है पर एच ने सेल किया, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, 60% गुड्स हमारी अनसोल्ड हैं बिग एस, इसमें से 60% अनसोल्ड हैं, तो 60% आ गई आपकी 4,800, ये लॉस पे सेल कर रखी है। अब वो कह रहे हैं कि रिलाइजेबल वैल्यू जो है गुड्स की वो मोर देन है इससे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, इसमें फुल कॉस्ट रिकवरेबल है, तो आपने जितना लॉस है ना इसमें वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप देखिए बताइए जो अनरियलाइज्ड लॉस, अब ये जो वैल्यू है ये 8,000 के बेस पर है, तो आप देखो 8,000 में कितना लॉस है 2,000 का, तो इफ टोटल वैल्यू 8 लॉस ही 2,000, इफ टोटल वैल्यू 4,800 तो आपका लॉस आ जाएगा 1/4 जैसे कि 1,200। जब आप लॉस को एलिमिनेट करेंगे तो एंट्री बन जाएगी एच की बुक्स में, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे हम, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड और एच ने लॉस सफ़र किया था उसके पी एन एल में डेबिट हो गया था, उसको क्रेडिट कर दो 2 PNL जिसे जो 1,200। ये थी हमारी डिफरेंट एडजस्टमेंट म्यूचुअल ओइंग की, और एक हमें दी थी एस ने अपना डिबेंचर का इंटरेस्ट जो था इन्वेस्टमेंट में वो जो रिकॉर्ड नहीं किया था वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो सब एडजस्टमेंट को करके हम कैलकुलेट करेंगे बाकी कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड बाकी वैल्यू ऑफ एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो अभी जितनी भी एडजस्टमेंट किए हैं सबको एडजस्ट करके हैं बन बाय बन, तो उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट है हमारा 6, तो पहले कैलकुलेट करके हैं बाकी जो वैल्यू ऑफ एनसीआई, तो एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, तो आपने एन सी आई कैलकुलेट किया था एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो जिससे वी हैव कैलकुलेटेड उसकी एक वैल्यू थी 1,300। अब इसमें आपने ऐड करना है शेयर इन वो भी एन सी आई का शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, तो देखिए जिस मंथ 6,900। और फिर आपने म्यूचुअल ओइंग में एक एंट्री की है जब आपने जो हमारी थी अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन उसमें हमने कैलकुलेट किया था स्टॉक रिजर्व, तो वो आपने लेस कर देना है माइनस स्टॉक रिजर्व, ये देखो आपने कैलकुलेट किया था जिस बार जो टोटल स्टॉक रिजर्व था हमारा 800 उसमें एन सी आई का शेयर का 40% एक बार 3 होंगी, ये आपका माइनस हो जाएगा बैलेंस ही वैल्यू ऑफ एन सी आई, तो 1,300
प्लस 6900 माइनस 320, जिसी 126 है 280। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं जो मेजर आइटम है सेवन्थ जिसे कंसोलिडेटेड जो पी एंड एल, उसमें मिलेंगे एच स्टॉक वैल्यू कितना बैलेंस है, एच बैलेंस इन पी एंड एल, ये आपको देखो मेंशन किया है बैलेंस शीट में, एच स्टॉक पी एंड एल आपको दे रखा है जिसे जो 80,000। अब आप इसमें एडजस्टमेंट कीजिए, तो सबसे पहले हमने जो कोई एक एडजस्टमेंट की स्टॉक रिजर्व की, सो माइनस स्टॉक रिजर्व, सो जो को टोटल था हमारा 800 का, उसमें इसका शेयर है 60% 480, ये माइनस हो जाएगा। पी एन एल में क्या भी किया था आपने, फिर आपने ऐड करने हैं एच का कितना शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट में, रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर है 10,350। फिर आपकी एक और म्यूचुअल ट्रांजेक्शन थी जब एच ने एक एसेट सेल की थी, तो उसमें भी हमारा अनरिलाइज जो प्रॉफिट था माइनस अनरिलाइज जो प्रॉफिट, सो ऑन मशीनरी, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 9750। फिर एक एच ने गुड्स सेल की थी इसको एक लॉस के ऊपर, तो उसका जो लॉस हमने एलिमिनेट करना है वो ऐड हो जाएगा अनरिलाइज जो लॉस, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी टोटल लॉस जैसे हो रहा था आपको 2000 का, और इसमें से 60% गुड्स हमारी थी अनसोल्ड, सो दिस वाज योर 1200। ये सारी एडजस्टमेंट करके हमने नाउ यू गेट टू बैलेंस इन कंसोलिडेटेड पी एंड एल, सो 80,000 सो माइनस 480 प्लस 10,350 माइनस 9750 प्लस 1200, सो 81,320 इनकी वैल्यूज मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। नंबर की खबर सिक्स जो को वर्किंग नोट है आपका वैल्यू ऑफ एन सी आई फॉर कंसोलिडेशन पर्पज 126,880, देन सेवन वर्किंग नोट है आपका कंसोलिडेटेड जो पी एंड एल 81,320। नाउ लेट्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट, वी हैव कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस दिस इज एज ऑन 31 मार्च 2023, अमाउंट्स आपके हैं रुपीज में, सो वी हैव अ पर्टिकुलर्स डिटेल्स वर्किंग नोट नंबर डिटेल्स इन रुपीज फाइनल अमाउंट इन रुपीज, तो फर्स्ट हम शो कर रहे हैं परफॉर्मा वही है हमारा एज पर डिवीजन सेकिंग ऑफ शेड्यूल 3 को कंपनी सेक्ट, तो पहले हम शो करते हैं एसेट्स, उसमें आपकी नंबर वन है नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स में आप देख लीजिए आपको मेंशन की है, सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो पीपीई, देखो इसकी कितनी वैल्यू बनेगी, इसमें समझो आपकी मशीनरी भी इंक्लूड है, तो जिसे 7 लाख प्लस 150 तो 850 बन रही है टोटल, तो इसमें से हमने एलिमिनेट करना है जो अंडरलाइज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था उन सेल ऑफ मशीनरी बाय एच टू एस जिस वाक 9750 वो एलिमिनेट कर लीजिए आप, तो बैलेंस आपकी नेट पीपीई आ जाएगी 850 माइनस 9750 840 250। फिर आपको सेकंड आइटम दिया है फर्नीचर, तो जिसे जो गिवन को भी 90 प्लस 70 160, और कोई नॉन करेंट एसेट नहीं है और इसमें गुडविल नहीं है राजर भी है कैपिटल ही कह रहा हूँ, सो क्लियर टोटल नॉन करेंट एसेट्स, तो जिसे कि 10,250। देन वी हैव सेकंड जो करंट एसेट्स, करंट में देखो सबसे पहले हैं आपके पास स्टॉक, टोटल स्टॉक है इनका 1,50,000। अब इसमें से आप एक तो स्टॉक रिजर्व माइनस ये जो प्रॉफिट पर सेल किया था सब्सिडरी ने होल्डिंग को, उसका स्टॉक रिजर्व था आपका 800 रुपीज। फिर एच ने भी कुछ सेल की थी सब्सिडरी को, वो उसने सेल की थी लॉस के ऊपर, तो उसमें से हमारा अनरिलाइज जो लॉस था जिस वहाँ के 1200 वो आपने एड बैक कर देना है स्टॉक की वैल्यू में, सो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ही नाउ 150 सो प्लस 450,400। सेकंड आपके पास है डेटर्स, डेटर्स ये को दोनों के कॉमन है 60 प्लस 35 95,000, फिर हमारी इसमें म्यूचुअल लोन की डेटर्स की 5,000 की हमने एक एंट्री पास की थी क्रेडिटर कैश इन क्रेडिट को डेटर, सो नाउ रिमेनिंग डेटर्स आर 90,000। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल, इसमें भी म्यूचुअल लोन की हमारी 5,000 की बिल रिसीवेबल 25 प्लस 20 45,000 माइनस कर लीजिए 5,000,
रिमेनिंग आ रहे 40,000। फिर एक हमने आइटम शो की थी कैश इन ट्रांजिट, उसको आप क्या सेपरेट शो कर सकते हैं या कैश में ऐड कर सकते हैं। कैश इन ट्रांजिट वाज 1,000। जब वी हैव कैश एट बैंक, ये दोनों का क्लब हो जाएगा कैश एट बैंक 90+15 105,000। वी आर टोटल करेंट कैसे से, सो 154,000 प्लस 90+40 131,000 प्लस 105,000 386,400। जन टोटल एसेट्स, जन वी हैव इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें नंबर वन आइटम है आपकी शेयर होल्डर फंड से। सो फर्स्ट वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल किसी गिवन को भी 9 लाख। देन वी हैव जनरल रिजर्व जिसमें लीजिए गिवन को भी 60,000। फिर आपने कैलकुलेट किया था कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर वो आ जाओ 4, अमाउंट क्या था 15,450। देन वी हैव कंसोलिडेटेड पीएनएल, वर्किंग नोट नंबर 7, अमाउंट 81,320। फिर आपको शो करना है NCI सेपरेटली इन शेयर होल्डर फंड से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 6, अमाउंट 126,880। उनका टोटल आ जाएगा शेयर होल्डर फंड से किसी को 960+15,450 प्लस 81,320 प्लस 126,880। फिर किसी कमिंग 11,83,650। तो जैन वी हैव अवर अगर लाइबिलिटीज हैं आपकी डिबेंचर्स, जैन सेकंड वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये आपको मेंशन किए हैं 12% डिबेंचर। इसमें देखो टोटल डिबेंचर्स हैं होल्डिंग की बुक्स में 1 लाख है, और इसमें से कुछ सब्सिडरी के पास है 25,000 की इन्वेस्टमेंट, वो हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी, 75,000 के रह जाएंगे डिबेंचर्स। जैन वी हैव नंबर 12 करंट लाइबिलिटीज, इसमें भी बहुत सारे म्यूचुअल वाइंस हैं। नंबर वन वी हैव बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल देखिए टोटल बता रहे हैं इनके 40+20,60,000। उसमें से आप देखो म्यूचुअल वाइन के हमने कैंसिल किए थे 5,000, रिमेनिंग ये 55,000। सो जैन वी हैव क्रेडिटर्स, सो टोटल क्रेडिटर 38+30,68,000। इसमें हमने म्यूचुअल वाइन के कैंसिल किए थे 4,000, रिमेनिंग है आपकी 64,000। देखो क्रेडिटर की एंट्री डाल दीजिए हमने, क्रेडिटर कैश इन करेंगे टू बैकर, क्रेडिटर के 4,000, कैश इन करेंगे 1,000, बैकर थे 5,000। जब भी है डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड, टोटल को डिबेंचर का इंटरेस्ट है एच की बुक्स में 12,000, इसमें से फिर 3,000 का हमने शो किया था इंटरेस्ट रिसीवेबल इनका बुक्स और सब्सिडरी, वो म्यूचुअल लोन बन जाएंगे, सो ओनली 9,000 ये ड्यू फॉर आउटसाइड, और कोई लाइबिलिटीज नहीं है, ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी। सो 55+64,000 प्लस 9,000 128,000 जो भी गए टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी 128,000। सो प्लस 75,000 प्लस 11,83,650 किसी कमिंग 13,86,650। Then we have Essex 13,86,650. So this is our consolidated balance sheet. So this was a good question. इसमें सारी mutual going की transactions भी almost सारी cover हो गई हैं, जब आपने Essex या good sale किए profit पर या जब आपने sale किए loss के ऊपर। इस lecture में mainly हमने discuss किया example based on mutual going's, तो ऊपर के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को कमेंट कीजिए। थैंक यू।